हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हम बात करेंगे रेडियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे रेडियल एक्सीलरेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेडियल एक्सीलरेशन? इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम को एक एक पॉइंट को इसको अच्छे से समझना है हमें। तो ध्यान दीजिए क्या है। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पी क्या है? एक पोजिशन है पार्टिकल की जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। आर इज़ द रेडियस वेक्टर। स्मॉल आर क्या है? एक रेडियस वेक्टर है। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम टी सेकेंड। जैसे हम नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टाइम इंटू वेलोसिटी होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम के। तो जो ओमेगा आपको दिख रहा है वो क्या है? यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। v इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। v क्या है? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p। p पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन है p पॉइंट पर। इस एरो से हम इसको दिखा रहे हैं। ड्रो पी एम पैरेलल टू ओ एक्स। ये जो पी एम है वो ओ एक्स पर परपेंडिकुलर हमने क्या किया है? ड्रॉ किया है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम टी सेकेंड इज, ये एंगल बन रहा है एम ओ पी। तो एम ओ पी ये क्या है? ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा एंगल यहाँ पर काम कर रहा है। द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय। पोजिशन वैक्टर्स जो है वो किस तरह से दिए जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन में ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई काम करेंगे। साथ ही इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप काम कर रहे हैं। तो स्मॉल आर, ये जो रिजल्टेंट इसकी पोजीशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? एक्स आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में वाई जे कैप। फ्रॉम पी ओ एम, पी ओ एम से हम क्या देखते हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है ये पी एम एंड ओ पी। पी एम हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। एंड ओ पी हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ये वाई। ये वाई अपॉन ओ पी क्या है? ये जो रिजल्टेंट पोजिशन वैक्टर है वो स्मॉल आर है। देन y इक्वल्स टू r साइन थीटा। हम y को क्या लिख सकते हैं, यानी pm को क्या लिख सकते हैं? r साइन थीटा लिख सकते हैं। बट थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t, देन थीटा जो है उसकी जगह हम ओमेगा t पुट करेंगे। देन हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा t। सिमिलरली फ्रॉम POM, POM से हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास? ओ एम है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? ओ पी है। तो ओ एम हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने लिख रखा है एक्स। तो एक्स अपॉन स्मॉल आर, कोस थीटा आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई? एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा। यानी हम बात कर रहे हैं आर के दो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। यानी आर या पोजिशन जो है वो रिजल्टेंट पोजिशन है, इसका एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा एक्स आई कैप, एंड वाई डायरेक्शन में वाई जे कैप हो जाएगा। तो जो एक्स एंड वाई है वही हमें निकालना है, वही हमें दिखाना है इसमें कि कैसे हम एक्स एंड वाई को मेजर कर सकते हैं। तो जब हमने वाई मेजर किया तो यहाँ पर साइन थीटा आया था, और जब हमने एक्स मेजर किया है तो यहाँ पर कोस थीटा है। तो एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे आर कोस थीटा। थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? ओमेगा टी। तो यहाँ थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर देंगे। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पर हम वेलोसिटी बता रहे हैं, एंड एट एनी इंस्टेंट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? एट एनी इंस्टेंट जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय वी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। वी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी।
आई आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था, लेकिन हमने एक्स एंड वाई निकाल लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर कोस ओमेगा टी एंड आर साइन ओमेगा टी। वी इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। हमने क्या किया है इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी एंड जो साइन ओमेगा टी है वो हो जाएगा कोस ओमेगा टी। तो वी हमारे पास कितना आता है माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी हम करेंगे, डी ओमेगा टी अपॉन डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ओमेगा यहाँ पर रह गया और डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया वन हो गया, यानी टी के रेस्पेक्ट में टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो इसलिए ओमेगा दोनों तरफ दोनों टर्म्स में कोस थीटा एंड साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट एनी टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सीलरेशन। देखो हमने पोजीशन की बात कर ली, हमने वेलोसिटी की बात कर ली, हम अब क्या पढ़ रहे हैं लीनियर एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, तो वो क्या होगी इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सीलरेशन होगी। ए को क्या लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास v की इक्वेशन आई माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो माइनस साइन ओमेगा टी है, आई आर पहले से आ रहा है, ओमेगा पहले से आ रहा है, लेकिन हम ओमेगा टी का वापस करेंगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा कोस ओमेगा टी। नेक्स्ट हम बात करें जे आर ओमेगा हमारे पास आ रहा है, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ आ गया माइनस साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, ओनली ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया है। अब हम क्या करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आई आर कोस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। अब ये आई आर कोस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी हमारे पास ये रिजल्टेंट जो पोजीशन वेक्टर था वो है, तो हम इसको इक्वेशन क्या लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो हमने सर्कुलर मोशन में तीनों चीज़ें पढ़ ली है, उसकी पोजीशन हमने डिफाइन की उसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स एंड वाई में, क्योंकि सर्कुलर मोशन होती है एक प्लेन में, फिर हमने डिफाइन किया उसकी वेलोसिटी दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर, फिर हमने डिफाइन किया है उसका एक्सेलरेशन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर, जो कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस करके इसको डिराइव किया है। देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इम्पोर्टेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देखेंगे। द नेगेटिव साइन इन द अबाव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस वेक्टर आर इन ओपोजिट डायरेक्शन, यानी रेडियस जो वेक्टर है वो लीनियर एक्सेलरेशन के ओपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये इस बात का एविडेंस है। तो नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस आपने समझ ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी बट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। वी क्या है लीनियर वेलोसिटी है एंड ओमेगा क्या है ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं वी की जगह, ये एक रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में, तो वी की जगह हम पुट कर सकते हैं आर ओमेगा। अब हम क्या करेंगे इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे एक बार आर को कांस्टेंट लेंगे, डब्ल्यू का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डब्ल्यू को हम क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे और आर
का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी आर अपॉन डी टी। आर इज़ ए कॉन्स्टेंट रेडियस, आर क्या है, कॉन्स्टेंट रेडियस है, तो अगर आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। सो हमारे पास यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी ज़ीरो हो जाता है, तो इस टर्म को हम कम्प्लीटली ज़ीरो मान लेंगे। तो हमारे पास एक ही जो टर्म बचती है वो एक ही कंडीशन, एक ही टर्म बचती है आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब हम ये जानते हैं कि जो एंगुलर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, उसका हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास एक्सीलरेशन आता है एंगुलर। देखिए ये अल्फा से डिनोट किया गया है, जो लीनियर हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, लेकिन जो एंगुलर हमारे पास एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। तो अगर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हम अल्फा लेके चल रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, अल्फा लिखा जाएगा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। सो लीनियर एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा क्या है, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा, उसी तरह से यहाँ पर जो लीनियर एक्सीलरेशन है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ रिलेशन होगा ए इक्वल्स टू आर अल्फा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, देखिए हम यहाँ पर वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो पोजीशन है वो भी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो आने वाली जो क्वांटिटी होगी, जो हमारे पास क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, वेक्टर होगी, यानी दोनों वेक्टर्स का अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है तो ये भी वेक्टर होगी। अगर दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी का हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर डॉट प्रोडक्ट हो, तो ये क्वांटिटी जो आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, अगर इसको हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ओमेगा इंटू आर, देन क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी टी डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू आर प्लस ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डी टी। बट डी डब्ल्यू अपॉन डी ए इक्वल्स टू एल्फा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी, अब डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एल्फा इंटू आर प्लस ओमेगा इंटू वी। अब लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, ये ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन और ये रोटेशनल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए टी प्लस ए आर। ए टी इज कॉल्ड टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द लीनियर एक्सीलरेशन, ए आर इज कॉल्ड द रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ द लीनियर एक्सीलरेशन। तो ये तो है रेडियल और ये क्या है, टेंजेंशियल है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो एल्फा इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, सो ए इक्वल्स टू ए आर, यानी ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ओनली ए आर के इक्वल होगा, जो कि रेडियल कॉम्पोनेंट है लीनियर एक्सीलरेशन का। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर आर्क इन सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, देखिए यहाँ जो है ये वो एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर एक्सीलरेशन इज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, यानी जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो कैसा होगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ एन इमेजिनरी फोर्स, जैसे हमने सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ा था, सेंट्रीपेटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, लेकिन अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है, experienced only in non-inertial frames of reference, ये non-inertial frames में काम आता है। This force is necessary in order to explain Newton's law of motion in an accelerated form of reference. तो ये किसके लिए necessary है, एक ये necessary force है Newton's के laws को explain करने में in an accelerated frame of reference, एक हम frame of reference लेंगे जो कि accelerated frame of reference है, उसमें Newton's law को explain करने के लिए centrifugal force ज़रूरी होता है। Centrifugal force
इज एक्ट्स अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस काम करेगा बट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल. जैसे हमने सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, अलोंग द रेडियस काम करेगा लेकिन वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. लेकिन ये कैसा है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सर्किल के सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स. यानी सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. सो वी कैन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज सेम एज सेंट्रीपेटल फोर्स. F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सिक्स पॉइंट हम पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन रोटेटिंग बॉडीज. ये एक रोटेटिंग बॉडीज में हमेशा प्रेजेंट होता है. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की. एग्जांपल्स क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, व्हेन अ कार इन मोशन टेक्स अ सडन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर लेफ्ट हैंड साइड एक सडन टर्न लेती है मूविंग कार, पैसेंजर्स इन द कार एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड पुश टू द राइट. एक आउटवर्ड पुश मिलता है उनको राइट में. दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर. देखो जिस डायरेक्शन में कोई कार जो है वो मुड़ती है, उस वो क्या है, एक सर्क्यूलर पाथ तैयार करती है. मान लो एक टर्न उसने लिया तो वो क्या है, एक सर्क्यूलर पाथ तैयार करेगी. वो एक आर्क पर मूव कर रही है, तो वो क्या हुई, उसकी सर्क्यूलर मोशन हुई. जो कि क्या लेती है, वो सडन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर लेफ्ट हैंड साइड वो सडन टर्न लेती है तो जो पैसेंजर है उनको एक पुश मिलेगा राइट हैंड साइड. यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा उस आर्क के, जो आर्क बना है उस आर्क के सर्किल के मिड में, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्किल सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो एक पुश लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण राइट हैंड साइड. तो व्हेन अ कार इन मोशन टेक्स अ सडन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, पैसेंजर्स इन द कार एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुश टू द राइट. तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स एज द मेरी गो राउंड रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. तो ये क्या होता है, द चिल्ड्रन वो मेरी गो राउंड में क्या कर रहे हैं, मेरी गो राउंड में मूव कर रहे हैं मेरी गो राउंड के साथ. एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं एज द मेरी गो राउंड रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मेरी गो राउंड क्या करता है, मोशन में है. तो क्या क्या होगा, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स. फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर बोथ फोर्सेस मस्ट बी रियल. यानी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन होगी लेकिन इक्वल. अब उसके लिए यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करने के लिए जो फोर्स होगा वो एक पेयर में काम नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स तो रियल है लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कैसा है, अनरियल फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है. तो यहाँ पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना पाएगा. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.